आज विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही प्रसन्नता एवं गौरव का विषय है कि बालिकाओं और परिवार विद्यालय परिवार की ओर से मिशन शक्ति कार्यक्रम जो शासन और प्रशासन द्वारा प्रायोजित है, जिसका बहुत सामाजिक कल्याण की दिशा में बहुत बड़ा उद्देश्य निहित है, उसका आयोजन किया गया है। मैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य विराजमान माननीय जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, माननीय कोतवाल साहब और महिला निरीक्षक पुलिस तथा समस्त पुलिसकर्मी, शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षिकाएं तथा सभी छात्राओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सचमुच ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब इतने प्रतिभा संपन्न, अनुभवशील और उपलब्ध रखने वाले अधिकारी हमारे बीच में हो, हमारी सभी समस्याओं का समाधान केवल उनके उपस्थित मात्र से हो जाता है। आज हमारे बीच में वो हैं, वो स्वतः हमारी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर पधारे हुए हैं और साथ साथ हमेशा उनका केवल शासन के निर्देशों पर ही नहीं बल्कि सुरक्षा विभाग से संबद्ध होने के कारण से वो अपने दायित्व से हमेशा जनता चिंतित रहते हैं और कानून व्यवस्था और प्रदेश और देश और क्षेत्र में सुशासन की जो भूमिका है उसको निर्वहन में अपनी विशेष जिम्मेदारी का अनुपालन करते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष रूप में बधाई देना चाहता हूं। मुझे जानकारी है कि हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जब से यहां पर आए वो हर समस्या के समाधान में अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे जन सेवक और एक सहृदय संरक्षक के रूप में उनको हम हर स्थान पर खा पाते हैं। वो विशेष बधाई के पास है और हमारे नवागंतुक जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं उनके पिछले इतिहास के बारे में जब जनपद के अन्य स्थानों पर आए हैं हम सब लोग उनकी कार्यशैली से, उनकी क्षमता से और उनकी संवेदनशीलता से भली मान पड़ती है। सौभाग्य से उनका आगमन हमारे क्षेत्र में हुआ है। हमारी जो भी अपेक्षाएं और संभावनाएं हैं, जो हम अभिलाषाएं उनके प्रति पुलिस विभाग के प्रति अपने मन में संजोए हुए हैं उनसे हम उनको खड़ी होते हुए पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और सौभाग्य से जो उनके दस स्तंभ के रूप में दाएं और बाएं हाथ के रूप में जो मिलना चाहे महिला विंग के इंस्पेक्टर साहब साहिबा और हमारे कोतवाल साहब, इनका भी बहुत ही अच्छा इतिहास है। कभी पक्षपात से प्रेरित होकर के, कभी दबाव में प्रेरित होकर काम करने वाले नहीं है। मैं ऐसे अधिकारी को बहुत सम्मान करता हूं और सिद्धर से उनका नमन करता हूं। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति की मुखर नहीं हो पाता है कि अपनी बात सही रूप में कर सके, लेकिन मेरी जानकारी है उनके पास कोई पीड़ित, कोई भी असहाय, कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचता है तो बड़ी सहजता के साथ उनकी बात सुनते हैं और उसी लाइन पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर चलने के लिए स्वयं तत्पर रहते हैं। साथ साथ हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय भी उन्हीं ऐसे निर्देशों को हमें देते हैं विभाग को और हमें क्षेत्र में एक अमन चयन शांति चीज बहाल करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मैं पुनः सभी को
हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मानवर ये कार्यक्रम शक्ति मिशन कार्यक्रम केवल कहने मात्र से पूरा होने वाला नहीं है, जब तक धरातल में एक जन चेतना जागृत नहीं होती। और जन जागरण का संगठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज से 4 साल पूर्व नवरात्र के समय किया था, और मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की स्थिति में उत्तर सुधार हो रहा है। समाज का एक महत्वपूर्ण अंग नारी है, पत्नी के रूप में जीवन की सदर्भी का एक महत्वपूर्ण अंग बन करके त्याग सेवा समर्पण और परमल जाति भूमिका में सुख दुख में जो संवेदनशीलता से हाथ बचाने वाली पत्नी होती है उसकी भी भूमिका सर्वोपरि है। जो व्यक्ति इससे वंचित हो जाए उसका जीवन में समस्या अधूरा हो जाता है, इसलिए पत्नी को आधा अंग कहा गया। वो आधा अंग भी हो जाता है उसका, जैसे समाज में यदि ये स्त्री या महिला का स्थान कमतर कर दिया जाए तो जैसे पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति जो है हो जाता है आधा अंग, तो मैं समझता हूं समाज का आधा अंग हो जाएगा। इसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार होना परमावश्यक है। और सुधार कैसे हो सकता है, सशक्तिकरण कैसे आ सकता है, जब महिलाएं शिक्षित। बहुत लंबे अरसे तक मानवर आप लोग ऐसे जनपद से आते हैं जहां शिक्षा बहुत अच्छी रही है, और मुझे कुछ सौभाग्य में समझूंगा भगवान की कृपा समझे कि मैं 22 साल की अवस्था में एम ए पास करने के बाद में बी एड करने के बाद में एक नए यहाँ से 12 किलोमीटर भगवान स्थान मुझे प्रधानाचार्य पद पर सेवा करने का मौका मिला, और 37 साल तक वहां जब मैं आया था तो केवल इस तहसील में एक इंटरनेट कॉलेज था, था कमाते में था और दिलवाड़ी में था, केवल एक बात जेपी शर्मा इंटर कॉलेज था, बालिकाओं में कोई शिक्षा नहीं। आज से मिशन 62 की बात करता हूँ, लगभग करीब 64 साल गुजर गए। इसके बाद में उत्तरोत्तर बालकों की शिक्षा की ओर सबका ध्यान जाता है, क्योंकि बालक जो है कुलदीप माना जाता है कुलदीप, कि जब यहाँ पर 1999 में जब रिटायर हुआ, इसके बाद में 28 जून 1999 को इस विद्यालय की स्थापना की गई। पहले पहला विद्यालय था देहाती ग्रामीण अंचल, पहला विद्यालय जनपद में था जो जिसका शुभारंभ किया गया, और यहाँ पर उस समय केवल 2% शिक्षा थी। जो संपन्न घराने के लोग थे जो लखनऊ इलाहाबाद में रहते थे नौकरी करते थे उनकी बेटियां भाई बहने पढ़ सकती थी पढ़ती थी, लेकिन बाकी कोई नहीं, यहाँ ग्रेजुएट लड़कियां मिलना मुश्किल था, जो 4 महीने आज बड़ी भारी बात। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती गई, और आज मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण अंचल से 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर से बच्चियां रोड पैदल आती हैं, साइकिल से आती हैं और बड़ी शांतिपूर्वक आती हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद डिग्री कॉलेज महाराष्ट्र पहला महाविद्यालय इसी क्रम में जन 2008 में स्थापित किया गया, और वो भी आज ऊंचाइयों तक चल रहा है। भारत समाज श्री प्रतिमान सिंह उसको देख रहे हैं, वो भी अच्छी ढंग चल रहा है। आशा करूंगा कि हमारी बच्चियां शिक्षा के दृष्टि से कभी भी भयभीत मत हो आने जाने में किसी प्रकार की, और साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप स्वस्थ नहीं होगी, स्वास्थ्य मेरा मतलब मैं पहली बात खत्म करता हूँ, मुझे अपने अतिथियों को सुनना है। स्वास्थ्य का मेरा बात ये है कि आप जो है धन्यवाद देता हूँ महाराजा जी को जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। केवल एक दिन के कार्यकाल में 2 दिन छुट्टी थी, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अतिथियों का जिस रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण और सम्मान करना चाहेगा उन्होंने व्यवस्था की, उनको भी उनके स्टाफ को पूरे धन्यवाद देना चाहूंगा।